Hello everyone, hope you all will be doing very fine and will be preparing for your CET examinations. So in this video I will be talking about how to prepare for history CUT UG 2024 examinations. So as for history, we have three books, part 1, part 2, part 3 for like NCERT, and iske liye bhi I will suggest read the NCERT chapters and books thoroughly, because questions इनके बीच में से ही आते हैं, questions book में से ही आते हैं. जो आपका syllabus given है उसी में से question आता है, कहीं बाहर से नहीं आता, and उसी level का question भी आता है. तो stick to the NCERT books, chapters वगैरह वहीं से पढ़ो, वहीं से चीज़ें याद रखो, and इसमें भी आपके date related questions आ जाते हैं, कौन सा event कब हुआ था, कौन सा like subsidiary alliance किसने propose किया था, and apart from that chronological ऑर्डर वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं इसमें, एंड इसमें इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. सो फॉर दिस यू नीड टू लाइक सीरियसली यू नो रीड द चैप्टर्स लाइन बाय लाइन. एंड कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आपसे यू नो कोई बड़े इवेंट वाली चीज़ नहीं पूछेंगे, कोई बड़ा इवेंट हुआ है पर उसमें जो किसी लाइक कोई किसी का छोटा सा जो रोल है उसके बारे में पूछ लेंगे. सो फॉर दिस यू नीड टू रीड द बुक्स लाइन बाय लाइन, सो दैट आप उस चीज़ को आंसर कर पाओ, राइट. And once you have read all the chapters, देखो आधी preparation तुम्हारी board तक हो गई, boards के examination तक हो गई होगी. And for the CUT examination तुम्हारा approach रहना चाहिए कि तुम objective questions करने वाले हो, तो तुम उस तरीके से पढ़ो. And उसके लिए यू नो जितनी भी dates हैं, important names हैं और important चीज़ें जो हैं, जैसे मोहनजोदारो में like हरप्पन civilization में यू नो different सिटीज़ में कि क्या क्या यू नो स्पेशलिटी थी, कहाँ पे क्या फाउंड किया गया था, ये सारी चीज़ें तुम लाइक नोट डाउन कर सकते हो, अपने माइंड में रख सकते हो. इससे ही क्वेश्चंस बन के आते हैं मैच द फॉलोइंग फॉर्म में या डिफरेंट डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में. तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू प्रैक्टिस MCQ, सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट गेट टू नो कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे. एंड प्रैक्टिस करने के बाद यू विल गेट द कॉन्फिडेंस एंड to avail free mock tests, PYQs and sample papers. I've already uploaded videos on my channel, so please watch this out. अगर आपको free में avail करना है ये सारी चीज़ें, mock test, MCQs and sample papers वगैरह. और रही बात है किस तरह के questions आते हैं history में, तो देखो तुम्हें events like events के रेट पता होने चाहिए अच्छे से, बिकॉज वो यू नो मैच दी फॉलोइंग में भी पूछ लेते हैं कभी कभार, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी अरेंज करने के लिए दे देते हैं. एंड ये चीज़ तुम तभी कर पाओगे जब तुमको एग्जैक्टली याद हो कि कौन से इवेंट कब हुई थी, कैसे हुई थी. अब जैसे जो ट्रैवलर्स वाला चैप्टर है जिसमें अल्बेरूनी, फ्रांसिस बर्नियर एंड इब्न बतूता है, तो उनमें क्या करेंगे किसी ट्रैवलर के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देंगे, या फिर वो ट्रैवलर मोरक्को का था या फिर कहाँ का था, थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे. एंड तुमसे पूछ लेंगे कि किसके बारे में बात करी जा रही है. एंड मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी यू नो डेट्स आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं, या फिर आ जाएगा कि लाइक रिवोल्ट, कौन सा रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था एंड किस इंडियन फ्रीडम फाइटर ने यू नो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करी थी. एंड इस रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक मैच दी फॉलोइंग फॉर्म में भी आ जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई टॉक अबाउट द अदर क्वेश्चंस, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो दैट यू कैन ऑल्सो लाइक यू नो समझ के कर सकते हो. इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं वो लाइक कुछ ईजी भी आ जाते हैं, जैसे सिंपली तुमसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ लेंगे कि हरप्पन सिविलाइजेशन में यू नो ग्रेट बाथ वाली चीज़ कहाँ पे फॉलो करी जाती थी, स्मॉल टाउन, सिटाडेल, इन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड अलग अलग चैप्टर्स में जैसे तुम्हारा सांची स्तूपा कहाँ पे बिल्ट है एंड किस आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या चीज़ फाउंड करी है कहाँ पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी लाइक आ सकते हैं. तो इट्स लाइक तुम्हें अच्छे से यू नो थॉरली पढ़ा होना चाहिए. एंड यू नो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर, व्हाट यू डू, जस्ट जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको करते जाओ, उससे तुम्हारे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा दैट तुम क्वेश्चंस इतने अटेम्प्ट कर पा रहे हो. जहाँ पे कुछ नहीं याद हो रहा, कोई नहीं कुछ नया क्वेश्चन मिला, कोई चीज़ छूट गई, तो उसको रिवाइज करते चलो, पर देन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते चलो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते चलो, ओनली देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं इस तरह का अटेम्प्ट कर पा रही हूँ या फिर इस तरीके में मुझे थोड़ी दिक्कत आई तो मुझे यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी. सो हो जाएगा अच्छे से, तैयारी अच्छे से करो. एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट. सी वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. एंड मैं इस तरीके के अच्छे कॉन्टेंट वीडियोज आती रहूँगी, सो प्लीज
do like this video and share it with your friends, and all the very best. If you have any queries or any doubts, you can put it in the comment section, and I'd love to answer that.